हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप मेरा चैनल देख रहे हो, मैं आपके लिए छोटी मोटी न्यूज़ का चैनल लाता रहता हूँ। मतलब जो खबरें हैं जो मुझे थोड़ा बहुत पता चल जाती है तो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ ये बताने से पहले कि आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये तो बोलना पड़ता है दोस्तों, क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ होनर 7A। हाँ दोस्तों, ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, कम प्राइस में मिल रहा है, तो दोस्तों इससे बढ़िया क्या है। तो देखिए, 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी और 9,000 रुपये का ये फ़ोन हमें मिल रहा है, और 13 MP और 2 MP का डुअल कैमरा मिल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, ऑक्टा कोर और स्नैपड्रैगन प्रोसेस का हमें मिल रहा है दोस्तों। और ये इसमें आप बोल सकते हो 18x9 डीसी वाला ये फ़ोन नहीं है, इससे थोड़ा कम है। तो आप मतलब फुल डिस्प्ले वाला जो चल रहा है आजकल 18x9 डीसी वाला डिस्प्ले, आपको इसमें उतना बेहतर नहीं मिलेगा जितना और फ़ोनों में है, मगर हाँ इसके आसपास का इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा। और दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, काफ़ी अच्छा कैमरा मिलेगा इसमें और कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो 9,000 में और क्या चाहिए दोस्तों हमें, फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा लुक है दोस्तों इसको। हाँ दोस्तों, और चीज़ और ये ध्यान से देखिए इसमें कि आपको माइक्रो SD कार्ड का अलग से भी पोर्ट मिल जाएगा दोस्तों, तो ये बहुत बेहतर ऑप्शन है इसमें। और 18x9 डिशू का जो डिस्प्ले, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सिनेमैटिक डिस्प्ले है जो बोल रहे हैं ये, तो डिस्प्ले तो दोस्तों इससे काफ़ी अच्छा है, मगर 18x9 डिशू जैसे बोल रहे हैं, तो जहाँ तक मैंने पता किया है 18x9 डिशू से थोड़ा कम है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, आपको इसमें EMUI 8 मिलेगा जो बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों, और आपको इसमें कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी दोस्तों। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप ये फ़ोन लीजिए बिना सोचे समझे, कोई भी फ़ोन आप मत लीजिए जब तक थोड़ा और पता कीजिए। कि अगर जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि आप मैं इसके बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ तो आप ये फ़ोन लीजिए, आप इसके बारे में और सर्च कीजिए, इसमें खामियाँ क्या है और किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप और भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। मगर मेरा कहना तो यही रहेगा कि ये फ़ोन अच्छा है, 9,000 में हमें मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों। तो बेफिक्र होके ये फ़ोन लीजिए, अब देखते हैं मार्केट में इसका रिव्यू कैसा है, कैसा चल रहा है। तो फ़ोन तो जो आप देख रहे हैं, फ़ोन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त SK टेक्निकल खड़गा जी, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।